ओके ओके जी, पहला दुरुस्त है ये। हाँ पांचवा आ गया जी। ई आगिरल थुत को बातचीत सुन के छिलमुने सवाल का अल माजन थेदाबल करु शिक्षियो दुरुस्त बात का इंतखाब कीजिए। कह रहा जी, नामजा का मर्द मरहान, मरहान का मतलब होता है बताई गई, छोंगरी छोंगदन, पुट इन ऑर्डर हजारों को तरतीब देने की, योगारो बाची आनंद गोसल कुरु शिक्षियो, तरतीब के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से जो दुरुस्त बात नहीं है उसका इंतखाब करो, या एक बात का जिक्र नहीं है उसका इंतखाब करो। पहले ऑप्शन में कह रहा है जी, फुंजीरी, फुंजिल कहते हैं चीजों का, तोरो जिल सुई सोयो, चीजें गिर सकती हैं, चीजें गिर सकती हैं। दूसरे में कह रहा है जी, अंजन सागोरल अपास्ती हासे से, ये बंग हलसी सोयो बच सकते हैं। तीसरे में कह रहा है, मुलगोनी चीजें नंग भी गंदगी को, छुरिल छुई समीदा कम कर सकते हैं, अंजन सागो पासी हासे से, ये बंग हलसी सोयो बच सकते हैं। तीसरे में कह रहा है, मुलगोनी चीजों की नंग भी गंदगी, छुरिल छुई सोयो कम कर सकते हैं। चौथे तो में कह रहा है, खीगे मशीन ओरे ज्यादा देर तक सायंग हलसी सोयो इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन को ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात का जिक्र नहीं है, किस बात का जिक्र नहीं है उसका इंतखाब करो।이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 지요. 봐라. 오늘 교육 시간에는 오늘 교육 시간에는 기억. 아, 기억과 무슨 뜻인지 remember करना, याद करवाना। इस टाइम आपको याद दिलाया जा रहा है जी।지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 작업장 काम वाली जगह की वे फिरियो हन क्यों छा, यार समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है।작업장 정리가 왜 필요한지 작업장 छोंगरी, छोंगरी का मतलब होता है जी तरतीब देना,작업장 छोंगरी का काम वाली जगह की तरतीब वे फिरियो हन क्यों अहम है।설명하겠습니다. 솔명 하게 씁니다. 매뉴얼 दिया गया है। 우선 पहले 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고, 총리를 잘 하면 सबसे पहले तरतीब अच्छी दो तो अंजन सागोरल येबंग हलसी सोयो अपासी हादसे से बच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन चला गया जी, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता।물건의 낭비를 줄일 수 있어요. तीसरा आ गया, मुलगोने नांगबिरल छुरु छुसोयो, चीजों की गंदगी को कम कर सकते हैं। तीसरा भी चला गया, जवाब आ गया पहले चौथे में।그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. चौथा भी बोल दिया जी, खीगेरल ओरे दोंगान, मशीन ज्यादा देर तक साइंग हल्सी सोयो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक पहले ऑप्शन का जिक्र नहीं आया, नहीं जी, लिसनिंग खत्म हो गई है। पहला ऑप्शन दुरुस्त है जी, हुमजीरी तोरो जिल सुई सोयो, चीजें नीचे गिर सकती हैं, चीजें गिर सकती हैं। ओके जी, वैस वर्सा, पहला ऑप्शन दुरुस्त है जी। जी भाई, बड़ा सुनो सारी लिसनिंग। 44과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번, 태수를 여기에 버리는 거예요? 루스 옵션. 네, 여기가 폐수를 버리는 곳이에요. 2번, 작업장이 더러워요. 걸어보여, 띠서. 그렇죠. 너무 지저분하네요. 3에서 4번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번. 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 사다리요? 저기에 있네요. This option. 4번. 지금 뭐 하고 있어요? 냄새가 나서 환기하고 있어요. 왕기, 펠라 옵션. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가
왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. 오케이 उसके बाद है जी इल्की रीडिंग आ गई है जी रीडिंग रीडिंग आ गई है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ये क्या है जी? सुन सूरे हाथ वाली रेड़ी, बिल्कुल जी दुरुस्त ऑप्शन है। फिर सुलमुल गोबर, इलियन छा भी हाथ वाली रेड़ी है, लेकिन वो मैंने बताया जी एक टायर वाली है। पहला ऑप्शन दुरुस्त है जी, इनिलकिन प्लास्टिक की डोरी। ओके ये क्या है जी? सोम शिमेओ शदीद शोर है। पहले ऑप्शन में नेम से का शिम हेयो शदीद स्मेल है, दूसरे में सौमी शिम हेयो शदीद शोर है, तीसरे में कह रहा है खोंगी का कुए जो खेयो आबो हवा खुशगवार है, तो चौथे में कह रहा है जी छोंगरी का थे हो इसोयो तरतीब अच्छी है। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है, खाली जगह आ गई है जी, फटाफट हल करो जी, फटाफट हल करो। पहले ऑप्शन में जी हाँ जियो, जियो ग्रामर कंफर्म करने के लिए है, हितगोधनियो गोधनियो ग्रामर होती है वजह बयान करने के लिए, इसलिए हागोशी फोयो करना चाहता हूँ, हलगो ये यो करूंगा। कह रहा जी ओनरन आज छागो जांगी काम वाली जगह, आजू के जो खाने हो बहुत खुशगवार है, रचियो रेली छोंसुरल हितगोधनियो सफाई की है इसलिए, गोधनियो इसलिए। ओके दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है जी, चौथा ऑप्शन पढ़ो जी फटाफट। पहले ऑप्शन कह रहा है जी माना जो सोयो ज्यादा हो गया है, जो सोयो का मतलब होता है जी हो जाना, माना जो सोयो ज्यादा हो गया है, दूसरे में कह रहा है मान म्योन ज्यादा हो तो अंधे हो ठीक नहीं, तीसरे में कह रहा है मानजी आनल गो ये यो ज्यादा नहीं हुआ, चौथे तो में कह रहा है मानस म्योन ज्यादा हो तो चौथे सोयो अच्छा है, ज्यादा हो तो अच्छा है। अच्छा जी ओके पढ़ते हैं जी, म्योच्छिल जोन बोधा कितने दिनों का देखने में, पहला भी आ रहा है दूसरा भी आ रहा है, देखते हैं जी। म्योच्छिल जोन बोधा कितने दिनों का देखने में, फुन्नियों का गोबर, फुन्नियों का गोबर क्या हुआ है जी, पता नहीं क्या हुआ है, रचियो अच्छा पल्ली छियो या घिसोयो, जल्दी साफ करना पड़ेगा, क्या हो गया जी, गोबर ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया, मान जो सोयो ज्यादा हो गया। पहला ऑप्शन दुरुस्त है जी, मान म्योन अंधेयो नहीं हो सकता जी, ज्यादा हो तो ठीक नहीं, ये भी हो सकता है अगर ये ना हो तो, ये ऑप्शन ना होता माना जो सोयो ज्यादा हो गया है ये ना होता तो दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो सकता था जी। ओके क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, पहले ऑप्शन में सायोंग, सायोंग का मतलब होता है इस्तेमाल करना, फोगवान का मतलब होता है स्टोर करना, छुम्बी तैयार करना, छोमखोम चेक करना, जी भाई चेक करना। ओके कह रहा जी खोंगू हाम टूल बॉक्स, छुम्बी हाय और तैयार करते वक्त, टूल बॉक्स में टूल लगाते वक्त, तैयार करते वक्त, छोंगरियो वा टाइप्स और खुगे फ्योलो साइज के हिसाब से, खोंगू रल उजार खुगियोल हायो रखते हैं, या फोगवान है या हमनीदा स्टोर करते हैं, दूसरा ऑप्शन दूसरा जी, अभी वो कल्चर पार्ट में पढ़ा है हमने। के इस तरह छल नो तू म्योन अच्छे तरीके से रखो तो कोंगुरल उजात अंजुन हागो फाजल से शिप के आसानी से सायुंग हल्फी सुमिदा इस्तेमाल कर सकते हैं, जी भाई ओके दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है जी।